पेट्रोल की कीमतों में आग से देश भर में हाहाकार। विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। एनडीए ने किया 31 मई को भारत बंद का ऐलान। बेटी के मर्डर के मुकदमे का तलवार, दंपत्ति को करना होगा सामना। आरुषि हेमराज हत्याकांड में बचाव पक्ष की दलीलें नामंजूर। सीबीआई अदालत ने हत्या का आरोप तय किया। पैटर्निटी विवाद में एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। 29 मई को देहरादून में देखना होगा ब्लड सैंपल। नितिन गडकरी की ही अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी 2014 का चुनाव। पार्टी कार्यकारिणी में दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड के पुरोला में लोगों ने पुलिस हिरासत में नाबालिग लड़की की मौत। नाराज लोगों ने की एसडीएम की पिटाई। घर में भी आग लगाई। और आगरा में मामूली बात पर दो गुटों के बीच हंगामा। पथराव के बाद लोगों ने दो गाड़ियों में लगाई आग। दो लोग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आरसी शुक्ला। महुआ न्यूजलैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की भी अजीब रवायत है, जब भी वह प्रोग्रेसिव दिखने की कोशिश करती है, किसानों और मजदूरों की सरमायादार बन जाती है। किसानों और गरीबों के नाम पर तमाम तरह की योजनाओं के ऐलान में भी पीछे नहीं रहती, लेकिन जब हकीकत में किसानों के हित का सवाल आता है, तब उसका रवैया कुछ अलग ही नजर आता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। अपने खून पसीने के दम पर किसानों ने गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार की है, लेकिन उनकी गेहूं की खरीद ठीक से नहीं की जा रही है। सरकारी खरीद केंद्रों पर बिचौलियों और आढ़तियों की मौज है। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों है ऐसा हाल? आखिर क्यों है किसान परेशान? क्यों बिचौलियों पर मेहरबान है सरकारी अधिकारी? इसी पर आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। ये नजारा है सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र रहे कन्नौज का। गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र पर खड़े इन किसानों का इंतजार खत्म होता नजर नहीं आ रहा। और तो और, खरीद कब होगी, कैसे होगी, इन्हें ये भी बताने के लिए अफसर तैयार नहीं है। लेकिन खरीद केंद्र के बाहर घूम रहे दलालों की चांदी है। मजबूर और परेशान किसानों का फायदा उठाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कम कीमत में फौरन गेहूं खरीद लेते हैं और फिर अंदर जाकर सरकारी रेट पर अपना गेहूं बेच देते हैं। जाहिर है इसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ रहा है। केंद्र पे जाते हैं, वहाँ कोई लेता नहीं। तीन दिन से गेहूं मेरा पड़ा हुआ गोदाम पे, बोले बारदाना ही नहीं है। तो बारदाना है तो आज दोबारा गए तो बोले पल्लेदार ही नहीं है। दो दिन से ट्राली वहीं पे पड़ी है, कुछ खाया पिया नहीं, वहीं पे लेटे हैं, रात भर लेटे रहे। लेकिन डीएम का दावा कुछ और ही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के लिए टारगेट 39,034 टन है, तो उसमें अप्रैल 1 से लेकर अभी खरीदारी शुरू हो गई है, लगातार जून तक चलेगी। इसमें अभी तक खरीद हुआ है 660 टन और लगातार चल रही है। तो अभी जो भी किसान देना चाह रहे हैं, हमारा 42 सेंटर्स है पूरे जिले भर में, दे कैन डू देयर सब वहाँ कर सकते हैं। यह है दूसरी तस्वीर बांदा के गेहूं खरीद केंद्र की। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो केंद्र बंद मिला। यह हालत तब है जब कुछ दिन पहले किसानों के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है। खूनी संघर्ष के बाद केंद्र के इंचार्ज को बदला जा चुका है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी बजाय आढ़तियों और बिचौलियों से गेहूं खरीदा जा रहा है, हालांकि अफसर इससे इनकार कर रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्र पर वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सभी एसडीएम हैं, सभी बीडीओ साहब,
और सभी अधिकारी लगातार क्रय केंद्रों पर जो जा रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं। कल यहाँ जो मंडी समिति पर गेहूं क्रय केंद्र है, वहाँ ये क्रम को लेकर के मतलब आपस में झगड़े की बात सामने आई है, उसी को लेकर के हम और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, SDM साहब आ रहे हैं, मो साहब आ रहे हैं। यहाँ हम लोग मौके पर आए हैं, देखते हैं उसमें जो क्या क्रम है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है, उसको हम सॉर्ट आउट करा रहे हैं और जल्दी ही जो है क्रय केंद्र जो है खरीद शुरू कराते हैं। सरकार की दोहरी नीति कहें या कुप्रबंधन, इसका खामियाजा मैनपुरी के किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर ऊंचे दाम तो मिल रहे हैं, लेकिन गेहूं खरीद बिना रिश्वत या सिफारिश के नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से आज किसानों के गेहूं की जो दुर्दशा हो रही है, उसमें दलाली हो रही है, उसके विरोध में हम लोग आज यहां सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि जल्दी शीघ्र इसका समाधान नहीं हुआ तो आगे हम विशाल प्रदर्शन खरीद केंद्रों पर और जिला अधिकारी कार्यालय या अन्य अधिकारियों का घेराव करके इसका विरोध करेंगे। गेहूं की पैदावार के लिए मशहूर मेरठ में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आधी मई बीत जाने के बाद भी कायदे से खरीद नहीं हो पाई। जब खरीद शुरू भी हुई तो आढ़तियों और बिचौलियों की बनाई, किसानों को पूछने वाला कोई नहीं रहा। दिक्कत तो ये आती है, गेहूँ अगर यहाँ पे बेच भी दें तो 15 दिन महीना भर दौड़ाएंगे पैसा देने के लिए, और हम यही गेहूँ कम पैसे में अगर बिचौली को बेच देते हैं तो पैसा मैं तुरंत कैश दे देता, नगद दे देता। जब ये पैसे देंगे नहीं तो हम बिचौली, इनसे सेटिंग रहती है, बिचौली के पास जाएंगे, बिचौली को बेचेंगे, तो वो बिचौली ला के इनको बेचेंगे, इनको ऊपर से जो अंदर से कमाई होती है वो इन्हें बेनिफिट। आपने शिकायत की ऊपर? शिकायत तो सुनने वाला का होना, शिकायत कहीं भी कर दो कौन सुनेगा, जब सब खा रहे हैं तो कौन सुनेगा। ताजनगरी आगरा की मंडी समिति में जगह जगह बिखरा ये गेहूं सरकारी इंतजाम की खुद ही पोल खोल रहा है। यहाँ सरकार ने गेहूं लाने ले जाने के इंतजाम तो किए हैं, लेकिन उसे हिफाजत से रखने में हद दर्जे की लापरवाही नजर आ रही है। कई बोरे फट गए हैं लेकिन उन्हें बदला नहीं गया। अगर बारिश हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पड़ा कितना गेहूं बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़लाइन। तो किसानों की जो दुर्दशा है, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी रिपोर्ट बता रही है कि बम्पर पैदावार हुई है, जिन किसानों ने अपना खून पसीना लगा करके इतनी जबरदस्त पैदावार की दी है, इतने जबरदस्त तरीके से अनाज पैदा किया है, उनको तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन परेशानी उनके हिस्से आ रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल राजेंद्र जी आपसे, आपने ये रिपोर्ट अभी देखी होगी, जिस तरह से किसान परेशान हैं, आपकी पार्टी किसानों की पार्टी कही जाती है, आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी अपने आप को किसानों के नेता कहते हैं, उनकी सरकार है और किसान इतने परेशान हैं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? नहीं, लगातार कोशिश की जा रही है। पूरा जो सिस्टम है 5 साल में बिगड़ा हुआ है, किसानों के साथ तो हमेशा ही अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है, और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से उदासीन बनी हुई है। लिखा गया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, बोरे तक भी नहीं मिल पा रहे हैं, उनके रखरखाव के लिए गोदाम की भी दिक्कत है। तो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसानों की जो दिक्कत है उसे समझते हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी ठीक है, बोरे की समस्या है, वो आप लोगों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, वो सब